इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन की तरफ से भटिंडा में एक आयोजन का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पंजाब सरकार से हरियाणा और राजस्थान की तरफ फाउंडेशन को मान्यता देने की मांग की गई। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक फाउंडेशन की ओर से जो एक कार्यक्रम हुआ, इसमें जुड़े देश भर के कई डॉक्टर्स ने भाग लिया। कार्यक्रम में जहां फाउंडेशन के सदस्यों को सम्मानित किया गया, वहीं राजस्थान और हरियाणा की तरह पंजाब सरकार में भी राज्य से फाउंडेशन को मान्यता देने की मांग उठाई गई। फाउंडेशन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रोग्राम कराया जा रहा है, जिसकी पंजाब इकाई पंजाब फाउंडेशन जो है इलेक्ट्रोपैथी फाउंडेशन इसका गठन कर रही है और मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। आज जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका करवाने का हमारा मेन मोटिव ये है, जो 21-22 स्टेटों से सारे हमारे पास चिकित्सक आए हुए हैं, उनके साइंटिफिक स्टडीज़ को हमने प्रोड्यूस करके पंजाब गवर्नमेंट के पास रखना है। भी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने इसे अपने राज्य में अप्रूव किया है, तो पंजाब गवर्नमेंट भी इसे जो है पंजाब में अप्रूवल दे। ये एक साइंटिफिक सेमिनार है राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय लेवल की चर्चा हो रही है, और मैं इस कार्यक्रम के लिए हरविंदर सिंह जी को, जो आयोजक हैं, जो पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो पूरे देश से लगभग 21 स्टेट से ऐसे प्रैक्टिसनरों को, ऐसे एक्सपर्ट को बुला करके आज यहाँ जानकारी दे रहे हैं, ताकि जो बड़े बड़े रोग हैं, जो लाइलाज बीमारियां हैं, उन बीमारियों से निजात पाया जा सके। आज के इस कार्यक्रम में तमाम एक्सपर्ट आए हुए हैं, जो अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जो बता रहे हैं कि पुरानी बीमारियां जैसे कैंसर है, HIV है, डायबिटीज है, हिपेटाइटिस है, इस तरह की बीमारियों को हम कैसे जड़ से उखाड़ फेंकें, इस चीज़ की आज के इस कार्यक्रम में है। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि आप हमें मौका दें, तो हम ऐसी बीमारियां जिसको लेकर की पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया परेशान है, उससे हम निजात दिला सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैं एक बार फिर से हरविंदर कौर जी को और वीरेंद्र कौर जी को, हरविंदर सिंह जी को, दोनों जन को धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम रख करके संदेश जो है पूरे दुनिया में दिए कि ये बीमारियों का इलाज इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से हो सकता है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी फाउंडेशन के जरिए इस कार्यक्रम को करने के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी, ये होम्योपैथी से इसका कोई संबंध नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रो होम्यो और पैथी। इलेक्ट्रो शब्द का अर्थ होता है डायनेमिक्स से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है त्वरित या गतिमान करना, और होम्यो शब्द लिया गया है होम्योस्टिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऑल बॉडी टिश्यू फ्लूइड एंड हिज ऑर्गन, अर्थात रसे रक्ते च शुद्धे प्राणी दीर्घायुरापनोत, यानी हमारे शरीर में बहने वाले दो पदार्थ लिम्फ एवं ब्लड, इन्हीं के असंतुलन होने पर ही कोई रोग होते हैं और इसी को ठीक करती है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो साइंटिस्ट हैं वो इटली के बोलाग्ना से डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने की, डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसको 1865 ईस्वी में किया, और हमारे यहाँ ये 99 वर्ष हो गए और अभी इसको केवल राजस्थान गवर्नमेंट ने पूर्ण रूप से इसको मान्यता प्रदान कर दिया। राजस्थान गवर्नमेंट ने पूर्ण मान्यता प्रदान कर दिया, वहाँ इसे एक बोर्ड का गठन हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने IDC का गठन किया, इंटर डिपार्टमेंट कमेटी का गठन किया, जिसमें हम मॉडिफाइड संयुक्त प्रपोजल जमा करने का, उसमें मैं भी मेंबर हूँ, सर ने, पूरे सभी लोगों ने इसके लिए सहयोग किया है, और IDC ने इसके लिए अभी मान्यता का बिल्कुल अंतिम स्तर पर चल रहा है।